हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना ऑफ नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं सेवन साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। जी हाँ, आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन से सात लक्षण होते हैं, चिन्ह होते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर के दौरान, मतलब कि जो महिलाओं में स्तन कैंसर होता है उसमें हमको देखने को मिलते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए जिम्मेदार होते हैं, या फिर अगर किसी महिला को ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जो आज हम पढ़ेंगे, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो वो महिलाएं स्वतः अपने स्तन का परीक्षण कैसे कर सकती हैं, जिसको हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं, उसकी भी मैंने वीडियो अलग से अपलोड कर रखी है। ये सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके इन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप घर पे रह के बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, या फिर बिना डॉक्टर की निगरानी में, या फिर बिना किसी हेल्थ वर्कर की निगरानी में, बिना किसी नर्स की निगरानी में आप स्वतः अपने स्तनों का परीक्षण कैसे करें, तो उसमें जो टेक्निक मैंने बताई है उस हिसाब से आप अपने स्तनों का परीक्षण कर सकती हैं और ये पता लगा सकती हैं कि कहीं आपको अपने स्तनों से रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं हो रही है। फिलहाल आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ लक्षण के बारे में जो रिलेटेड है किससे, ब्रेस्ट कैंसर से। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके साइन की, तो इसमें जो फर्स्ट साइन है वो है स्वेलिंग लिम्फ नोड अंडर द आर्म और अराउंड द कॉलर बोन। मतलब कि जो लिम्फ नोड है कहाँ पे, अंडर द आर्म, मतलब आर्म के पास जो लिम्फ नोड है, आर्म के नीचे जो लिम्फ नोड है, जो ब्रेस्ट के जस्ट बगल में है, साइड में है, एक तरफ या फिर दोनों तरफ क्या होगा, स्वेलिंग दिखाई देगी। अगर हम टच करके देखेंगे अपने हैंड से तो भी हमको पता चलेगा, या फिर अगर हम मिरर के सामने देखते हैं तो वहां पे भी हमको ब्रेस्ट के साइड में आर्म के जस्ट नीचे जो आर्मपिट वाला एरिया होता है वहां पे जो लिम्फ होते हैं वो सूजे हुए दिखाई देंगे। हमको महसूस भी होगा कि वहां पे कुछ स्वेलिंग जैसा है। अगर हम देखेंगे तो मे बी वहां पे लंप भी हमको महसूस हो सकता है जब उसको हम टच करके देखेंगे। इसके अलावा बोल रहा है कि और अराउंड द कॉलर बोन, या फिर जो कॉलर बोन होती है, ये कॉलर बोन होती है, यहाँ पे भी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। ये पहला साइन है। नेक्स्ट सेकेंड है स्वेलिंग ऑल पार्ट और सम पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब कि ब्रेस्ट का जो पूरा हिस्सा होता है, मतलब कि होल ब्रेस्ट में हमको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, या फिर ब्रेस्ट का कुछ हिस्सा होगा जिसमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। ये सेकेंड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट है स्किन इरिटेशन और डिम्पलिंग, मतलब कि जो फीमेल होगी उसको ब्रेस्ट में क्या होगा, इरिटेशन का मतलब कि उसको जलन जैसा महसूस होगा। पहले क्या था कि उसके लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो रही थी, फिर क्या था कि ब्रेस्ट में कुछ एरिया में या फिर पूरे ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो रही है, अब क्या है, अब उसको जलन भी महसूस हो रही है, उसको ऐसा लगेगा कि उसके ब्रेस्ट में जलन जैसी हो रही है, उसको इरिटेशन फील होगा। साथ ही बोल रहा है डिम्पलिंग, तो डिम्पलिंग का मतलब होता है इरिटेशन किस वजह से हो रहा है, वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, या फिर वहां पे जो लिम्फ वेसल्स है वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पा रही, क्योंकि वो क्या है, वो ब्लॉक्ड हो रही है। क्यों ब्लॉक्ड हो रही है, जैसे अगर हम बात करें तो अब लिम्फ में स्वेलिंग हो रही है, लिम्फ स्वेल कर रही है, अब लिम्फ स्वेल करने की वजह से इनका जो वे है वो क्या हो रहा है, वो बाधित हो रहा है, वो ब्लॉक हो रहा है, जो भी एक्सेसिव फ्लूड है वो क्या होगा, यहाँ से ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाएगा। जब एक्सेसिव फ्लूड जो है वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाएगा, बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा, वो यहीं पे कलेक्ट होगा, तो फिर क्या होगा कि एक तरह से वो इरिटेशन कॉज करेगा और उसकी वजह से जो फीमेल होगी उसको जलन होगी। नेक्स्ट इसमें फोर्थ है पेन इन ब्रेस्ट और निप्पल, मतलब कि जो फीमेल का ब्रेस्ट है उसमें, या फिर जो निप्पल है, अब वहां पे उसको दर्द भी महसूस होगा, उसको जलन होगी, साथ ही उसको क्या होगा, दर्द भी महसूस होगा, क्योंकि वहां से जो भी वेस्ट होता है, जो लिम्फ वेसल्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वो नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो भी लिम्फ वेसल्स है वो क्या हुई है, वो सब क्लोज हो गई है, एक तरह से वो ब्लॉक्ड हो रही है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ पॉइंट है निप्पल रिट्रैक्शन। निप्पल रिट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो फीमेल होगी उसको ऐसा महसूस होगा कि उसके ब्रेस्ट की, या फिर जो उसका निप्पल है, उसकी जो स्किन है वो क्या है, अंदर की तरफ खींच रही है, इनवर्ड हो क्या और ये खींच रही है। नेक्स्ट इसमें सिक्स पॉइंट है रेडनेस स्केलिनेस
और थिकनिंग ऑफ द निप्पल और ब्रेस्ट, मतलब कि जो ब्रेस्ट या फिर निप्पल है वहां पे क्या होगा, रेडनेस, मतलब कि वहां पे अब लालिमापन दिखाई देगा, साथ ही क्या होगा स्कैल्डनेस का मतलब होता है कि वहां की जो स्किन होगी वो खुरदुरी हो जाएगी। ऐसे क्या है कि नॉर्मल जो ब्रेस्ट होता है वो सॉफ्ट होती है उसकी स्किन, लेकिन जब ब्रेस्ट कैंसर जैसे लक्षण उसमें दिखते हैं तो उस दौरान क्या होगा कि जो स्किन होगी वो खुरदुरी होगी, साथ ही क्या होगा रेडनेस होगा, इसके साथ ही थिकनिंग मतलब कि वो मोटी खुरदुरी जैसी हमको फील होगी अगर हम उसको टच करके देखेंगे तो उस दौरान, निपल या फिर ब्रेस्ट दोनों में दिख सकता है। नेक्स्ट इसमें सेवंथ पॉइंट है निप्पल डिस्चार्ज, मतलब कि जो फीमेल है मे बी उसके निप्पल से किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो सकता है, जैसे फ्लूड हो सकता है, ब्लड हो सकता है या फिर मिल्क हो सकता है, कुछ भी डिस्चार्ज हो सकता है। अगर हम उसको स्विच करके देखेंगे तो हमको आसानी से पता चल जाएगा। तो अगर किसी फीमेल में ऐसे लक्षण दिखते हैं या फिर इसके अलावा भी, जैसे फीमेल का जो ब्रेस्ट है उसकी साइज इरेगुलर हो सकती है, उसका शेप चेंज हो सकता है, इसके अलावा उसमें टेंडरनेस देखने को मिल सकती है, तो अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं, ऐसे साइन दिखते हैं तो फीमेल्स को तुरंत अपनी जांच करानी चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उसको कौन सी जांचें करानी चाहिए, बहुत सी फीमेल्स को ये नहीं पता रहता है, तो इसके बारे में हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर ब्रेस्ट कैंसर के चिन्ह दिख रहे हैं तो उन्हें कौन कौन सी जांचें करानी चाहिए जिससे क्लियर हो जाए कि उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर ही डेवलप हो रहा है या फिर अदर कोई डिजीज है। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।